किसी के भी भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करेंगे, विभागीय जांच में निकल जाएंगे ये। और समझ के दीजिएगा, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा कि एक अच्छी पर्ची का कोई प्रावधान नहीं है। आपका स्टेटमेंट गलत हुआ तो यही कार्रवाई आपके खिलाफ हो जाएगी। इनकी आपत्ति ये थी कि जब मेरे को पोलिंग के दिन ही पता लग गया कि जी इससे ज्यादा मतपत्र अंदर नहीं है, जी तो फिर मतपत्र ज्यादा कैसे निकले? जी और मशीनें हमारे पास कम थी, तो जनपद और जिला मशीनें पंचायत दूसरे राज्यों से आ जाती है, उसमें क्या था? क्या कैंडिडेट्स के सिग्नेचर लेते हैं क्या, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के या उनके प्रतिनिधियों के? सर ये जो पूरी अरे प्रोसेस आपसे है जितना पूछ रहा हूँ उतना बताइए सर, सेक्रेटरी साहब। हम भी वोट डालने जाते हैं, उस नंबर से आप हमारा वोट निकाल के देख सकते हैं उस नंबर का वोट किसने डाला है। कच्ची पर्ची जो है उसका कोई प्रावधान नहीं है, तो उन्होंने लिख के क्यों दे दिया 494 वोट गिरे? अगर आप अंदर गए वहां पर सील लगाने के लिए और आपने उसको जेब में रख लिया, लिख के दिया, तो बाहर निकल के तो कोई जांच नहीं होती ना। ये सब मत बताइए हमको, आपका इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कितने इंडिपेंडेंट है, वी नो दैट। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 1000 लोगों को उसने खाना सर्व किया पेंट्री से लाकर या स्टेशन से लाकर, 999 लोग कुछ नहीं बोले, एक आदमी बोल रहा है, मतलब वो बेवकूफ है। बताइएगा ये क्या होता है, ये कच्ची पर्ची? आप आइएगा, आपका शुभ नाम क्या है सर? गुड आफ्टरनून सर, मैं अभिषेक सिंह हूँ सर। हाँ बताइए सिंह साहब, अभिषेक सिंह ना? सर हाँ बताइए सिंह साहब, ये कच्ची पर्ची क्या होता है? सर इसका कोई प्रावधान नहीं है तो ये कच्ची पर्ची क्यों उन्होंने लिखी, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है आपने? सर इनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थित कर दी गई कब है कर सर? दी गई सर अभी सर की गई सर, डेट नहीं बता। किसी के भी भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करेंगे, विभागीय जांच में निकल जाएंगे ये। Why has he been placed under suspension? Sir, he has not been placed. When there is no provision for kachi parchi and he himself admits that he had prepared a kachi parchi, then why he has not been placed under suspension? Why sir, you are saving him? Sir, we are not saving him, sir. Then, sir, then you place him, pass orders and then come. We'll take this matter at 4:15. Sir, place him under suspension and then come. Sir. Otherwise, I'll have to record that your election commission is trying to aid a officer who has violated the provisions. और समझ के दीजिएगा, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा कि एक अच्छी पर्ची का कोई प्रावधान नहीं है। सर आपका स्टेटमेंट गलत हुआ तो यही कार्रवाई आपके खिलाफ हो जाएगी। सर कहाँ है आपकी वो जो है इलेक्शन बुक, उसमें क्या प्रावधान है? सर इलेक्शन बुक है सर, इसमें कच्ची पर्ची का कहीं कोई प्रावधान नहीं है सर। नहीं है सर, उन्होंने कच्ची पर्ची बिगर उसके दी। कहाँ है आपकी चार्जशीट, उसमें क्या लिखा है आपने चार्जशीट में? एफिडेविट के साथ फाइल करी होगी ना आपने चार्जशीट? चार्जशीट हैज नॉट बीन फाइल्ड। व्हाई इट हैज नॉट बीन फाइल्ड? सर वी हैव इशूड शो कॉज नोटिसेस एंड देन दे ही सेइंग दैट चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड। नो बट लेटेस्ट माय इंस्ट्रक्शंस वर that the we advised the state government Malot to initiate a departmental inquiry against them. So now the departmental inquiry has been initiated against these three employees. Bigger charge sheet ke kaise departmental inquiry initiate hoti hai? Sir, the documents have been just recently satellite charge sheet file. Sir, this is something post filing of the affidavit. नहीं, we don't know. Report पर क्या उतना ही बताइएगा? Can I just brief your lordship on some count and we have to abide by it. But my instructions and my advice to my officer as well as the commission was, बस मैं एक निवेदन करना चाह रहा था। ये याचिका क्या है? सर याचिका में जो मूल इनका एलिगेशन है वो ये है कि पोलिंग के दिनांक पर, पोलिंग कंप्लीट होने के बाद एक स्टेट्यूटरी फॉर्म होता है, उस स्टेट्यूटरी फॉर्म की जगह हमको एक कच्ची पर्ची दे दी जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि जो टोटल नंबर ऑफ मतपत्र हैं वो इतने हमें पोलिंग पार्टी को मिले और वो पोलिंग पार्टी को मिलने के उपरांत इतने यूज हुए और इतने वापस हो गए। उसमें जो फिगर आया है जी, और जो काउंटिंग में फिगर आया है वो अलग है, वो अलग अलग है। नाउ मतलब इन दिस केस ही सेज इनके दो फैक्ट्स थे। हमने एक तो ऑब्जेक्शन ये लिया था कि भाई जिस दिन काउंटिंग थी जी, काउंटिंग में धारा 80(5) का प्रावधान होता, उसमें कई फैसले माननीय न्यायालय ने दिए हैं, रूल 80 सब रूल 5। सर रूल 80 सब रूल 5 ये कहता है कि काउंटिंग के दौरान अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो देन एंड देयर वहां लॉज करना होगा। ऑब्जेक्शन दूसरा है कि जब उनका दूसरा है पर्ची पर लिखकर आई एम कमिंग सर, मैं वोट एक्स वोट कास्ट हुए तो उसके बाद में वो वोट बढ़ कैसे गए? सर मैं इतना सा ऑब्जेक्शन है, वो काउंटिंग के दिन कैसे उठाया जाएगा? काउंटिंग के दिन तो आपत्ति ये उठाई जाएगी काउंटिंग में कोई गड़बड़ी की जा रही है। मैं सर आई एम जस्ट से फॉर द सेक ऑफ, मैं बिल्कुल क्रोनोलॉजी में अपने सबमिशन से रख रहा हूं। इफ योर लॉर्डशिप्स आर सेटिस्फाइड अदरवाइज मलॉर्ड वी विल डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन मलॉर्ड इमीडिएटली। सर हमारा पहला ऑब्जेक्शन ये था कि भाई काउंटिंग के दौरान अगर आपके पास इस तरीके की कोई कच्ची पर्ची थी और आपको ये फिगर मालूम था कि इतने मत नहीं थे, ये ज्यादा मत निकल रहे हैं काउंटिंग में,
तो पहला कर्तव्य यह है कि 85 के अंतर्गत आपको आपत्ति वहीं दर्ज करानी थी। हाँ, ये मैं मानता हूं कि इनका इनका ऑब्जेक्शन काउंटिंग प्रोसेस का नहीं था जी, मगर आपत्ति तो फिर भी दर्ज हो सकती थी। इनकी आपत्ति ये थी कि जब मेरे को पोलिंग के दिन ही पता लग गया कि इससे ज्यादा मतपत्र अंदर नहीं है जी, तो फिर मतपत्र ज्यादा कैसे निकले जी। इसको सर हम टेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 प्रावधान है। नंबर 1, जो मतदान हमारी दी पोलिंग दल जो होता है, मतदान अधिकारी, मतदान अधिकारी 1, मतदान अधिकारी 2 एवं मतदान अधिकारी 3, ये मतदान अधिकारी 3 जो अधिकारी रहते हैं अपार्ट फ्रॉम पोलिंग ऑफिसर, ये उस दल का पार्ट रहते हैं जहां पे पोलिंग हो रही होती है। और 4 लोग रहते हैं, 4 होते हैं सर जी। इसमें सबसे पहले मैंने पूरा समझा, इसमें पहला प्रावधान ये है कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास चिन्हित प्रति होती है। चिन्हित प्रति ये होती है सर कि अगर मैं वोटर हूं, मैं उसके अंदर जा रहा हूं पोलिंग बूथ में, तो सबसे पहले वो मेरा वेरीफाई करेंगे, मेरी लिस्ट में साइन करेंगे और टिक मारेंगे। ठीक है। नाउ माय लॉर्ड्स, में काइंडली सी, दिस इज एन इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत के सरपंच का मामला है। इसमें आप लोग अभी आप वो मशीन नहीं यूज कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, पंचायत में हम नहीं कर पा रहे। कम हो जाएगा? नहीं, वो सर उसके मोडालिटीज हैं, दिस इश्यूज हैव बीन डिस्कस्ड। मशीन क्यों नहीं यूज कर रहे सर? इस बार पंचायत सरपंच सरपंच और जनपद जिला पंचायत सभी चुनाव एक साथ कराए गए थे और मशीनें हमारे पास कम थी, तो जिला जनपद और जिला पंचायत दूसरे राज्यों से आ जाती है, उसमें क्या था सर? दैट इज नॉट द इशू। सर मेरा सबमिशन ये है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने ये कहा कि मेरी ये जो मैंने तैयार किया था, ये अपने कैलकुलेशन के लिए तैयार किया था, मैंने That not only conduct of election, but faith in the machinery is very important. Yeah. And if your matdan adhikari, who is superior to polling officer number 1, 2, and 3, without collating the details, issues a parchi, whether legal or illegal, if it was, इसने issue नहीं किया, यही मेरा एक आग्रह है। अच्छा, इन्होंने अपने आप लिख लिया? नहीं, if the court, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ facts बताना चाह रहा हूँ sir, if your lordship में। नहीं, पहले बताइए तो issue नहीं किया का मतलब क्या होता है? उन्होंने मेरे को जहाँ तक इनका instructions है, इन्होंने एक पर्ची तैयार करी, मतदान अधिकारी वो पोलिंग ऑफिसर ने, पोलिंग ऑफिसर ने अपनी एक पर्ची कैलकुलेशन के हिसाब से तैयार करी। जो एग्जैक्ट थिंग है, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड इट एंड आई हैव टू बी एब्सोल्युटली फेयर टू दिस कोर्ट सर, 50-50 की इनकी गड्डियां होती हैं जी। वो 50 मतपत्र की जो गड्डी होगी या काउंटर फॉइल, ना काउंटर फॉइल, वो काउंटर फॉइल 50 इन्होंने अपनी उसमें असेस नहीं करी थी। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट किसको मिले नहीं, जितने डले थे वो सब एक ही फिगर आ रहा है जी। तो मैं हाइपोथेटिकल वो नहीं कर रहा हूँ, बस एक बोनाफाइड अपना दिखाना चाह रहा हूँ कि जनपद सदस्य का भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स वही आया है जो हमने फॉर्म 15 में दर्शाया है, जिला पंचायत का भी वही आया है और सरपंच का भी वही आया है। पंच का डिफरेंस इसलिए क्योंकि उसमें कुछ अविवादित हो जाते हैं जो बिना कंटेस्ट के जीत जाते हैं, तो उसमें वोट नहीं डालने की जरूरत पड़ती। बट ये तीनों सदस्य के जो पद है, सॉरी सारे पंच आपके निर्विवादित रूप से चुन लिए गए? नहीं नहीं, उसका भी फिगर है सर, बट उसको मैं रिलाय इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि दैट डिफर्स फ्रॉम द फिगर व्हिच वी आर रिलाइंग। बिकॉज अगर 5 पंच चुने जाने हैं जी, 2 जो है निर्विवादित रूप से चुन लिए गए, तो 3 के लिए वोटर्स तो वही रहेंगे। हाँ, वोटर्स वही रहेंगे। तो फिर आपका ये वाला सबमिशन तो जो है नहीं, बट लॉजिकल नहीं है। पंच एक ही होता है। नहीं, आपको समझाया नहीं सेक्रेटरी साहब ने अभी ढंग से। ये जो शब्द कच्ची पर्ची बार-बार बोल रहे हैं। मैं आई एम एक्चुअली देयर, ये शब्द इन्होंने इजाद किया है। एक्चुअली दिस इज द थिंग व्हिच वाज सप्लाइड टू एवरी सर। मे आई जस्ट पॉइंट आउट सर, एजेंट वहां पे उपलब्ध थे, उनको यही दिया था सर। कैन आई जस्ट कंप्लीट एंड देन माय साइन कर माय सीनियर में आप सर, ठीक है ना, समझाइए इसमें सर। एक तो हमारा ये सबमिशन था कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ने ये एफिडेविट दिया है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट जो हमारा स्टेटरी फॉर्म हमने जारी किया था, उतने ही मतपत्र जारी हुए थे और उतने ही मतपत्र यूज हुए हैं। डोंट ट्राई टू कंफ्यूज सर। जब मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 पोलिंग ऑफिसर के अधीन आते हैं जी सर, तो देयर एफिडेविट्स दे मे बी द पीपल हु प्लेड फ्रॉड, उन्होंने बाद में चुपके से जाकर योर लॉर्डशिप्स दे विल ट्राई टू डिफेंड देमसेल्व्स। The issue is that they all are accountable to the polling officer, and it is the polling officer who had issued this kachi parchi or whatever, saying that 494 votes were cast. So, sir, I will rest my entire argument, and we will concede in this matter. But your lordship may kindly consider our bona fide argument. Once you concede, then it. नहीं concede मैं नहीं, मैं तब कर लूँ sir जब मैं असंतुष्ट रहूँ court को समझाने में। मेरा निवेदन इतना सा था। Let me just complete my lord. I'll just in the concluding paragraphs. तीनों बातों का एक ही जवाब है सर। चिन्हित पर्ची आप मेंटेन करते हैं, कौन व्यक्ति अंदर जा रहा है आप टिक लगाते हैं। नहीं, उसको सील करने के बाद सबके सिग्नेचर लेते हैं सारे कैंडिडेट्स के सिग्नेचर लेते हैं क्या सर?
कैंडिडेट्स के सिग्नेचर लेते हैं तो बताइए, उसको चिन्हित पर्ची को सील करने के बाद कैंडिडेट्स के सिग्नेचर लेते हैं क्या कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के या उनके प्रतिनिधियों के? सर ये जो पूरी प्रोसेस है, आपसे जितना पूछ रहा हूँ उतना बताइए सेक्रेटरी साहब। चिन्हित पर्ची, इन्होंने तीन स्टेजेस बताई सर। एक चिन्हित पर्ची हो गई, एक काउंटर फॉल हो गई, ठीक है, जिससे कि आप रिकॉर्ड को मैच कर रहे हैं, और प्लस पोलिंग बूथ ऑफिसर जो है वो जो आपके मतदान वो है दो और तीन, एक एक दो तीन जी, उनके बारे में आप बता रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो चिन्हित पर्ची है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन अ पर्सन एंटर्स इन द पोलिंग बूथ, यू विल बी टिकिंग हिज नेम सो दैट यू कम टू नो दैट हाउ मेनी वोट्स आर बीइंग कास्ट, वेदर इट इज अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट एंड इट इज साइंड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स और द पोलिंग एजेंट्स ऑफ द कैंडिडेट। सर ये P1 चिन्हित करता है पर किसी द्वारा साइन नहीं होता, नहीं होता ना, तो ये आपका इंटरनल डॉक्यूमेंट है सर, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है सर। अब चलिएगा काउंटर फॉइल जो है सर, काउंटर फॉइल कितनी जारी हुई सर, इसका आप सिग्नेचर कराते हैं शाम को सर, ये मतदाता उस पे साइन करता है काउंटर, मतदाता तो नहीं, मतदाता तो वो सर, तो एक दूसरा इशू आ जाएगा, वो अभी इस बिंदु नहीं है। अब मतदाता को साइन करा के क्यों उसको चिन्हित कर रहे हैं सर, जबकि वो तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ वोट जो है वो कहीं ना कहीं ब्रीच होती है उससे, उसमें सर चलिए नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू दैट इशू, दैट इज नॉट द इशू, इंपॉर्टेंट था उसमें कि किसको वोट दिया, नहीं नहीं काउंटर वो हमें मालूम है, काउंटर फाइल में नंबर दिया रहता है, हम भी वोट डालने जाते हैं, उस नंबर से आप हमारा वोट निकाल के देख सकते हैं उस नंबर का वोट किसने डाला है, ठीक है, सॉरी दैट्स अ लार्जर इशू व्हिच वी विल डिस्कस इन सम अदर एप्रोप्रिएट केस, राइट सर, वी गेट असिस्टेड बाय योर ऑफिस, नहीं नहीं ठीक है, इशू इज वेरी सिंपल, क्या वो कितनी काउंटर फॉइल्स आपके पास बची, 50-50 की किताबें आई सर, ठीक है, 11 किताबें का इस्तेमाल हुआ सर, 555, तो कितनी काउंटर फॉइल बची, कितनी किस नंबर से किस नंबर की, इस पे आप क्या कैंडिडेट के या उनके पोलिंग एजेंट के साइन कराते हैं सर? इस पे नहीं कराते सर, नहीं कराते ना, तो फिर आपका इंटरनल रिकॉर्ड हो गया आपके मैनिपुलेशन के लिए, कि जैसा चाहे उसको मैनिपुलेट करेंगे बाद में बैठ के। फिर कच्ची पर्ची जो है उसका कोई प्रावधान नहीं है, तो उन्होंने लिख के क्यों दे दिया 494 वोट गिरे, 494 मतदान, 494 हाँ बैलेट्स जारी किए गए, पेटी में डाले गए मतपत्र 494, पेटी में नहीं डाले, कोई जेब में रख के घर ले जाए तो आदमी क्या करेगा इतना? हाँ मतलब अरे भाई, अगर आप अंदर गए वहां पर सील लगाने के लिए और आपने उसको जेब में रख लिया, लिख के दिया, तो बाहर निकल के तो कोई जांच नहीं होती ना, वी आर नॉट कंसर्न पेटी में कितने गिरे, 494 जारी किए, जारी किए, तो द नंबर कैन नॉट बी मोर देन 494। अंडर रूल 87 में हमने एक दरखास्त लगाई थी, हाँ। हमने ये कहा था कि जो रिकॉर्ड वहाँ सील्ड प्रीमाइसेस में है, हाँ। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर नियुक्त हो चुका है, नहीं 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 की प्रेजेंस इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के बाद में नहीं होता, ये तो उस वक्त एक घंटे में सब कार्यक्रम हो जाता है, हम लोगों को वो मत बताइए। अगर आपका इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर था चुनाव के समय में, तो उस इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने क्या किया, वो इस मतदान केंद्र में कब गया, उसने क्या देखा, ये सब मत बताइए हमको। आपका इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कितने इंडिपेंडेंट है, वी नो दैट। योर लॉर्डशिप में काइंडली सी, हम वी आर ओनली विद अ लिमिटेड सबमिशन सर, योर लॉर्डशिप हैज आस्क्ड यू विल हैव टू सेटिस्फाई दैट देयर वाज सफिशिएंट चेक एंड बैलेंस इन द आईज ऑफ द पब्लिक वेयर नो मैनिपुलेशन वाज पॉसिबल। आपने कहा चिन्हन पत्र पर किसी के हस्ताक्षर नहीं होते, काउंटर फॉइल कितनी जारी हुई, कितनी बच गई, काउंटर फॉइल तो बचेंगी, मतपत्र कितने जारी हुए, कितनी काउंटर फॉइल बच गई, इसकी गिनती करके इस पे किसी के हस्ताक्षर नहीं होते। सर काउंटर फॉइल पे जो मतदाता है केवल उसका, अरे भाई उसके होते हैं, उसके क्या हुआ, मतदाता के साइन सही है कि नहीं है, हम इसमें ये चुनाव अगर मैं प्रभावित होने से नहीं डरता, हम तो सब करा, बट अगर ये प्रभावित होते हैं तो सर ये अकेले नहीं होंगे, फिर वो सभी के फिर से चुनाव, सभी के होने दीजिए ना, we are not afraid of it because your credibility is at stake. No, it's not about your lordship पे kindly see, my lord में kindly see, जिला पंचायत जनपद सदस्य में भी उतने ही मत निकले हुए होंगे, we are not concerned with and it. No one has challenged that sir. If somebody is sleeping over it, sir, but अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 1000 लोगों को उसने खाना सर्व किया पेंट्री से लाकर या स्टेशन से लाकर, 999 लोग कुछ नहीं बोले, एक आदमी बोल रहा है, मतलब वो बेवकूफ है। अगर आपके आपके एनालिसिस पे चले, क्योंकि 999 लोगों ने तो बोला ही नहीं कि खाना खराब है। मेरा एक आग्रह था सर, इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली कंसीडर मलॉर्ड, वंस वी आर डिस्प्यूटिंग द प्रोसीजरल इररेगुलरिटी मलॉर्ड, एंड व्हाट वी आर सीकिंग इज दैट इफ योर लॉर्डशिप हैव क्रेडिबिलिटी ऑफ योर ऑफिसर इज इन डाउट एंड योर डिले इन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर शोज दैट
there is lack of transparency. So, this point was brought to your notice long back. You should have taken that action then and there itself. Sir, किस तारीख को लिया एक्शन? किस तारीख को पिटीशन का नोटिस मिला था आपको? चलिए आइए वहां से शुरू करते हैं। पहले दिन किस तारीख को नोटिस मिला है आपको? ही वांट्स टू एड्रेस टू द कोर्ट इन सम नहीं विल हियर हिम, देयर इज नो अर्जेंसी। अदर केसेस व्हिच विल नॉट बी टेकन अप विल बी एडजॉइंड। कोई डेट देने की जरूरत नहीं, एडजॉइन कर दीजिएगा सिंपली। मे आई रिक्वेस्ट सर? सर इसमें बताइए आपको नोटिस कब मिला, इसमें नोटिस कब हुआ है? आपको 9/7/2022 को अपियर हो गए थे इलेक्शन कमीशन के लिए, ठीक है? उस दिन ये बात आ गई थी 494 और 544 वोट की, ठीक है? रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही अपीयर हो गए, ठीक है? अपीयर हो गए, फिर आपने क्या कार्रवाई की इस अधिकारी के खिलाफ और किस तारीख को आपने शो कॉज नोटिस जारी किया बताइएगा 9/7/22 के बाद? सर वी हैव एनेक्स दोस डॉक्यूमेंट्स आल्सो। अरे आप तो डेट बताइए ना भाई। मैं बता, डेट बताइए कब आपने एक्शन लिया है, फिर आपके अधिकारी को सुनते हैं, मालूम पड़ जाएगा हाउ इंडिपेंडेंट एंड इंपार्शियल यू आर। इंडिपेंडेंस पे सर कुछ नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई, मैं इतना तो वाउच करूंगा सर। आपके वाउच करने से कुछ नहीं होता, आप तो डॉक्यूमेंट से दिखाइए किस तारीख को एक्शन लिया है आपने। 15/6 के बाद, योर लॉर्डशिप, आफ्टर योर लॉर्डशिप दैट 15/6 के बाद। तो साल भर तक आप क्या कर रहे थे? स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये तो आपकी ट्रांसपेरेंसी है। 15/6 के बाद एक्शन लिया है। नाउ अलर्ट में काइंडली सी रेस्पोंडेंट काउंसिल अपीयर्ड। सर इसमें मेरा जो पहले ही स्टेटमेंट बार पे है सर, lordships are not satisfied sir, repoll is not a difficulty but we just want, we don't want that with all humility that a wrong precedent is set. Nahin, it is not a question of wrong precedent sir, you convince me sir, main wahi convince. Fir mera ek nivedan tha sir, your lordships may kindly appreciate the provision of repoll for me. The provision of repoll under rule 72 says that even if there is a small irregularity but the result of the election is not materially affected. Rule 87 sir, 72 sir, 72 okay. पढ़िए रूल 72, किताब भी नहीं है आपके पास? नहीं सर, फ्रेश खोले, माय बुक इज मिसप्लेस्ड, आई हैव जस्ट कॉल्ड फॉर अनदर बुक सर। चलिए सर, रूल 72 फ्रेश पोल इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन टेम्परिंग ऑफ बैलेट बॉक्सेस और वोटिंग मशीन और ड्यू टू प्रोसीजरल इररेगुलरिटी, यस, इफ एट एनी इलेक्शन ए एनी बैलेट बॉक्सेस और वोटिंग मशीन used at a polling booth is unlawfully taken out of the custody of the presiding officer or the returning officer or is accidentally or intentionally destroyed or lost or is damaged or tampered with to such an extent that the result of the poll at that polling station cannot be ascertained. ठीक है, आपकी बात समझ गए। कितने वोट का अंतर है दोनों के बीच में? कुछ 50 सर, 50 का अंतर है ना, 50 का ही है। आपके कितने वोट? 50 का ये फर्क आ रहा है। बट सर उसमें असर्टेन करने के मापदंड मैंने 3 निवेदन किए। अगर हम चिन्हित सूची नहीं, अगर भाई 100 का अंतर होता तो आपका ये आर्गुमेंट स्वीकार करके भी पिटीशन खारिज कर देते। 50 का ही अंतर है और 50 का ही डिफरेंस आ रहा है। एक और क्वेरी की थी माननीय, क्वेरी को छोड़िए, 644 कैसे हुए? 644 नहीं, 544 सॉरी 544 कैसे हुए सर? उसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया अपने एफिडेविट में, जब भी ये मतपत्र दिए जाते हैं तो वो +10% करके उसको दिया जाना है। दिस इज ये प्रावधान, +10% करके दिया जाना मतलब मलर्ट्स में है। मैं ये लॉर्डशिप में काइंडली सी माय एफिडेविट फॉर अ मिनट, यू हैव एक्सप्लेन इट मलर्ट्स में काइंडली सी इंटरनल पेज 19 ऑफ माय एफिडेविट। कंप्यूटर से बताइए कौन सा पेज है आपका। पेज 19 में सर, द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिप्लाई आई एम साइटिंग सर जी। नंबर 2, बिंदु क्रमांक 2, बिंदु क्रमांक 2 हाँ जी, हिंदी में बिंदु क्रमांक 2 के परिपेक्ष में मतदान केंद्र क्रमांक 145 में मतदाताओं की संख्या तथा उनके अनुपात में जारी 650 मतपत्र का आधार के संबंध में मतदान केंद्र 145 में सम्मिलित वार्डों की कुल संख्या वार्ड क्रमांक 1 से 6 तक है, जिनमें मतदाता सूची 2022 अनुसार कुल मतदाता की संख्या 586 अंकित है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के पत्र क्रमांक 600 दिनांक 4/11/2020 में मतपत्र मुद्रण हेतु दिए गए निर्देशों की खंडिका 12(2) के अनुसार कुल मतदाताओं में 10% जोड़कर उसके अगले दशांक तक पूर्णांकित किए जाने के निर्देश हैं। आपने 800 छपा है कि 1000 छपा है, दैट इज नॉट द कंट्रोवर्सी बिफोर अस। Controversy is different. Sir, it is not the case कि आपने ज्यादा छपवा के कहीं उनको वो कर लिया। आपने जितने 586 थे, 550 जारी किए,
544 का आया, उधर आंकड़ा पहले 494 का आया था, और वही फर्क है 50 वोटों का। अगर ये अगर सूची जारी नहीं होती या इसी के अनुसार 494 मत पड़ते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, वुड हैव बीन डिफरेंट। अगर आपके राइवल कैंडिडेट 60-70-100 वोट से जीतते तो हम इनकी पिटीशन खारिज कर देते कि भाई 50 चलिए ये हटा भी दीजिए तो भी वो जो है 10 वोट से 50 वोट से 20 वोट से जीत रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है बताइए सर। मेरा मतलब ही वांट्स टू सेक्रेटरी वांट्स टू एड्रेस। हां ठीक है सेक्रेटरी साहब। सर इसमें जैसा आपने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, वी जस्ट वांट टू सी कि हमारे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है इसको पढ़नीयत और अपढ़नीयत लिफाफे हम कहते हैं सर, उसका एक बार हम परीक्षण कर लें सर और उसको हम मिलान कर दें। कच्ची पर्ची का कोई प्रावधान नहीं है और अगर उसमें डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं तो हम लोग इसमें यथोचित कार्रवाई करेंगे सर। बस एक बार हम प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं सर। आप करेंगे आपका प्रोसेस सर? एक हफ्ते लगेंगे सर, हम कर देंगे सर। वी विल डू फाइल अ कंप्लायंस रिपोर्ट एंड विल कम बैक सर विद द फाइंडिंग्स एंड ऑल दोस। ठीक है श्री अनिल लाला लर्नेड काउंसिल फॉर अ पिटिशनर श्री सिद्धार्थ सेठ फॉर द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन अलोंग विद श्री अभिषेक सिंह सेक्रेटरी टू द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन श्री सर्वटे फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर इंटरवीनर। नेक्स्ट जनपद पंचायत एंड जिला पंचायत। फोन किसका इतना मधुर भाषा में बज रहा है सर? वो हमारे पांडे जी से ही गलती हुई है। माय कलीग प्रवण लग्न पांडे से। अच्छा प्रवण लग्न पांडे हैं, उनकी लग्न सही नहीं चल रही है अभी, उनको बता दीजिएगा। आज पीछे रखा है सर। अच्छा अच्छा उनकी लग्न सही नहीं है इसलिए उनको पीछे रखा है। ठीक है एंड देयर आफ्टर and all these details are being cross-checked and it was found that there is no discrepancy in the number of ballots issued, that is 544. Next para. Therefore, 650 ballot papers were printed, full stop. It is also submitted that Rule 72 of the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam 1995 provides for the situations in which fresh poll in case of destruction, tampering, etc. of ballot boxes or voting machine or due to procedural irregularity can take place. Full stop. It is submitted that in terms of Rule 80 within bracket 5 of the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam 1995, petitioner was required to make a complaint at the time of counting. Next paragraph. By the secretary to the election commission that they have taken up this matter in as much as the polling officer was not authorized to issue a kachchi parchi, in as much as there is no provision in the law for issuance of kachchi parchi. Full stop. Next paragraph. After hearing Shri Siddharth Seth and his secretary Shri Abhishek Singh, certain issues which are crux of the matter needs to be again highlighted. Firstly, dispute is not in regard to the number of ballot papers printed. Therefore, reference to the affidavit filed under application number 39 of 2023, as mentioned above, has no relevance to the facts and circumstances of the case. Next para. Controversy in short and crisp form is limited to the aspect that a kachchi parchi was issued by the polling officer who, according to Shri Siddharth Seth, is also a superior officer to Maddan Adhikari Kramank 1, Maddan Adhikari Kramank 2 and Maddan Adhikari Kramank 3, certifying that 494 ballots were issued for the relevant election. Beech mein nahi. Next. However, the fact of the matter is as admitted by Shri Siddharth Seth and his secretary Shri Abhishek Singh, so also acknowledged by Learned Counsel for the intervener, that the difference between the petitioner and the intervener is only of 50 votes, and that is the difference between the number of ballot papers which were issued as per the kachchi parchi issued by the polling officer and the votes which were actually polled. That is, as per kachchi parchi, 494 ballot papers were issued, whereas in counting, 544 ballots were found
on which votes were casted, full stop. Thus, the difference being exact, comma, manipulation appears to be prima facie justified, and that speaks about the credibility of the whole election process for the concerned constituency. Next paragraph. At this stage, Shri Abhishek Singh submits that they have no difficulty in holding a fresh poll, but they be granted 7 days' time to complete the procedural aspect and come back to the court on his request. 7 days' time is granted to do the needful list on 8th November, top of the list. But it will be subject to the outcome of their internal inquiry, for which they pray for 7 days' time. Next paragraph. At this stage, it will not be out of place to record conduct of the Election Commission, in as much as when this case was listed for the first time before this court on 9/7/22, then Shri Siddharth Seth Learned Counsel for the Election Commission had appeared. Full stop. The issuance of show cause notice, when according to Shri Abhishek Singh, Kachi Parchi is not a norm and there is an apparent violation of the rules and regulations by the said polling officer, reflects that how flexible is the Election Commission and the state government in their attitude to deal with such officers who are, according to the officer of the Election Commission, prima facie guilty of violating the rules and regulations. Full stop. Inquiry be conducted on or before 6th November, list on 8th November. This would be in accordance with Rule 87, sir. I don't know any rule. Permission aapse hi require. Hame nahi, hum bilkul permission nahi denge. Sorry. Document hi nahi khol sakte. Mat kholiye. आपको जो इंक्वायरी करना है कर लीजिए. I'll not permit you to mess with anything. No, sorry. आपको जो इंक्वायरी करना है करिए. I'll not grant you any permission. Sorry. This is not your. बोलिए, आप बोलिए. Please don't now. You are wasting time now. Sorry. Yes. Total difference 50 का लिख लीजिएगा. At this stage, Shri Sarvate submits that the dispute is in regard to booth number 145, where petitioner himself had received the highest votes. Full stop. This argument does not carry much weight, especially when there is a discrepancy of 50 ballots on this very booth, and that is the difference of winning or losing between the petitioner and the intervener. And only one submission. Your Lordships, on the last date of hearing, specifically on my submission, directed them, Lord, that whatever they are saying is with regard to the preparation of Form 15, Lord, that usme corrections baad mein ho gaye the. तो रूल 67 इज वेरी स्पेसिफिक. अगर इन्होंने वो कच्ची पर्ची की जगह फॉर्म 15 उसने जारी किया था तो सबकी उसमें स्पेसिफिक मेंशन है कि उसकी सबसे एक्नॉलेजमेंट लेनी है. आपने डायरेक्शन दिया था पर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने फाइल नहीं किया अपने एफिडेविट. एट दिस स्टेज श्री अनिल लाला सबमिट्स दैट फॉर्म 15 व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर रूल 67 विद इन ब्रैकेट 3 ऑफ मध्य प्रदेश निर्वाचन नियम 1995 has also not been produced by the Election Commission to show that they had filled Form 15 in compliance of the rule sub-rule 3 of Rule 67 and had obtained signatures of all the candidates or their polling agents. Chaliye, let this compliance be also made on or before that. That is the reason why, sir. Mera ek agrah hai, bas itna sunni. Sir, humne application hi wohi move kari hai. Ye sab sealed hai. To jaise hi hum inquiry kar lenge, hum apna affidavit de denge court ke samans. सर वो इसी अदरवाइज कोई इंक्वायरी हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि एवरीथिंग इज सील्ड. वी हैव ब्रॉट एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड. कहीं नहीं सील्ड है. नियम में कहां प्रावधान है हमसे. 87 है सर. आई हैव साइटेड दिस. एक मिनट. 87 पढ़िएगा. चलिए सर हिंदी में पढ़े दें. किताब अंग्रेजी में आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उसको. सर वो सब खोल देते हैं इंग्लिश में. प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन ऑफ इलेक्शन पेपर्स. While in the custody of the district election officer, the packets of unused ballot papers, the packets of used ballot papers, whether valid, tendered or rejected, the packets of the counterfoils of used ballot papers, and the packets of marked copies of voter list shall not be opened and their contents shall not be inspected or produced before any person or authority except under the order of the competent court or authority. तो authority है तो आप तो हैं तो authority election commission है. ये अरे भाई इसको पढ़िए तो पूरा किसके लिए लागू होता है. While in the custody of the district election officer. Now yes. It is part of the record of the election commission. No. This is all sealed there in the office of the district. आप बुला लीजिए. You are the competent authority. Competent court or the authority. Lord, may observe. No, I will not observe anything. Sir. Why should I observe? You interpret this rule and do whatever you want to do.
I am not granting you any permission. Grant an interim relief in this case. हाँ ठीक है ना, ठीक है ना. The seized of this matter. हाँ ठीक है. That is the reason why. Hold on. Sorry. आपको बहुत पहले परमिशन लेना चाहिए थी. आपने इतना साल भर का टाइम बर्बाद कर दिया. कब लगाई थी आपने आवेदन? चलिए सर, लगाई थी 21 को हमको. कब लगाई थी आपने आवेदन? 21 को ऑर्डर हुआ, 21 को हमने. सर 21 2022 को? नहीं 23 को. 23 अभी की बात कर. तभी कैसे? अरे भाई सर, देन इन दैट केस योर ऑफिस में जस्ट हियर मी एंड ऑब्जर्व. नाउ यू आर नो, आई विल नॉट ऑब्जर्व एनीथिंग. दैट्स एंड ऑफ द. चलिए दूसरा केस बुलाइए सर. एक एक दिन में 38 ऑप्शन था कैंडी हियर. हां 38 में साथ था. फाइनली सुनेंगे तब आप या तो ये बता दीजिए आप इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं. बीच बीच में नहीं, बीच बीच में इंक्वायरी के लिए. सॉरी सॉरी नो. But if your lordship would just, the secretary would conclude by this. No, no, nothing, yeah, nothing, nothing, nothing. You come on 8th, we'll hear you on 8th. So in that case, you know, there was small request. If your lordship would grant. You are wasting time of this court. So there are others who are waiting. चुनाव चल रहे हैं. तो क्या हो गया? उसको 17 के बाद का. नहीं नहीं 17 के बाद नहीं. चुनाव में इनका क्या रोल है? इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है इसमें? कौन सी मशीनरी है? अरे तो ये जांच तो इनको करनी है. इनका क्या रोल है? एफिडेविट दे दें कि इनका इनके ड्यूटी लगी हुई है सर. हाँ फिर क्या डिफिकल्टी होता है? डोंट ट्राई टू मेक लेम एक्सक्यूजेस सर. एक मिनट बोल. सॉरी नहीं, बिल्कुल नहीं. आप मैटर इज ओवर. कम ऑन 8th एंड एड्रेस दिस कोर्ट ऑन 8th सर. थैंक यू सर.